अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं आंवले का मुरब्बा। आज के आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने सारे वो टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आंवले का जो मुरब्बा है वो एकदम रसगुल्ले जैसा बनेगा। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आंवला लिया है। इसे मैंने पहले से पानी से वॉश करके रखा है। आंवला जो है वो थोड़े बड़े साइज के लिए। तो सबसे पहले इस आंवले को हम ऐसे प्रिक कर लेंगे। तो इसके लिए ऐसे रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो ऐसे फोक से आप इसमें छेद कर लें। जब हम इसमें छेद करेंगे तो जब हम चाशनी बनाएंगे तो चाशनी जो है वो अंदर तक जाती है। तो आप कोशिश करें कि जब आप इसे प्रिक करें तो ये अंदर तक करें। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद ही अच्छा आंवला का मुरब्बा जो है वो आपको खाने को मिलेगा। तो इसे थोड़ा सा मेहनत करके आप इसे अच्छे से प्रिक कर ले चारों तरफ। अगर आपके पास ये वाला आंवला प्रिकर है तो आप इसे बहुत ही आसानी से कम समय में ज़्यादा आंवला प्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंवला को गूंद लिया मैंने, ये देख सकते हैं आप। तो सेम प्रोसेस से बाकी का जो आंवला है उसमें हम छेद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आंवला को ऐसे प्रिक कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो आंवला में हमने छेद कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके एक पतीले में 2 ग्लास पानी गर्म करेंगे। पानी में उबाल आने दें। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें ये आंवला जो है वो डाल देंगे। ये देखिए, हमें आंवला को पानी में उबालना नहीं है, बस उबले हुए पानी में हम इसे डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे गैस को बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद इसमें फिटकरी डाल देंगे। ये देखिए, फिटकरी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। फिटकरी से आंवला का जो कसैलापन है वो कम हो जाता है। तो फिटकरी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आंवला जो है वो पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसका पानी निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये जो पतीले का पानी है वो मैं हटा देती हूँ और उसके बाद ये आंवला के अंदर जितने पानी है उसको ऐसे निचोड़ के अच्छी तरह से ड्राई कर लें। तो कोशिश करें कि जितना भी पानी इसके अंदर है वो आप निकाल दें ऐसे। तो यहाँ पे ये सारे आंवला को मैंने निचोड़ लिया है। अब हम इसे और सुखाने के लिए धूप में रख देंगे। तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए धूप में ऐसे छोड़ दें। 3-4 घंटे बाद हम देखेंगे कि आंवला जो है वो ऐसा दिखने में हो जाएगा, ये देखिए। तो आंवला से हमने पूरा पानी निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी यूज़ किया है, जो कि वजन में 350 ग्राम के करीब है। जितना हम चीनी यूज़ करेंगे उतना ही पानी डाल दें, यानी कि अगर आप मेजरिंग कप यूज़ करें तो सेम क्वांटिटी में पानी ऐड करें। गैस को ऑन कर दें और उसके बाद ऐसे क्या करेंगे कि चीनी को थोड़ा सा पिघल जाने देंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और चीनी को थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाने दें। तो यहाँ पे चीनी थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। अब हम ये जो आंवला है वो इसमें डाल देंगे। आंवला डालने के बाद हम इसमें 4 इलायची ऐसे क्रश करके डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप चाहे तो इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसे ऐसे मिला के और ढक के इसे लो फ्लेम पे 1 से 1.25 घंटे तक पकने देंगे। तो पैन को कवर कर दें, गैस का फ्लेम लो रखें और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 15-20 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के इसे एक बार ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, चाशनी जो है वो थोड़ी थिक होनी शुरू हो गई है, आंवला जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। लेकिन जब तक इसका कलर जो है वो गुलाब जामुन जैसा नहीं दिखने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे। तो वापस पैन को कवर कर देती हूँ मैं। 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि आंवला का जो कलर है वो ऑलमोस्ट गुलाब जामुन जैसा दिखने लगेगा आपको। तो एक आंवला को हम ऐसे निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं, चाशनी अंदर तक गई है कि नहीं। तो ये देखिए, आंवला बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो आप चाहें तो यहाँ पे गैस को बंद कर दें, या फिर अगर आपको चाशनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक करनी है तो 1 से 2 मिनट इसे और पकाएं। अगर आपको चाशनी पतली चाहिए तो गैस को आप पहले बंद कर दें। मैंने इसे टोटल 1 घंटे पकाया है। तो यहाँ पे हमारा मुरब्बा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे आप तुरंत नहीं खाएं, 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ेंगे तो चाशनी जो है वो और अच्छे से मुरब्बा में जाएगा और आंवला जो है वो और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम रसगुल्ले की तरह। तो आप इसे ऐसे छोड़ दें। मैं इसे 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 6 घंटे हो चुके हैं और एक बार इसे ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मुरब्बा एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ये देखिए,
एकदम गुलाब जामुन बोले, गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है लेकिन जब आप इसे ऐसे खाएंगे तो ये रसगुल्ले जैसा ऐसा फ्लेवर तो नहीं, टेक्सचर आएगा इसका। तो ये देखिए, इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना एकदम परफेक्ट पका हुआ। तो आप इस मुरब्बे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप इसे चाहे तो ऐसे तुरंत खाएं या फिर सर्दियों के दिन में आप इसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खा सकते हैं। आप इसे स्टोर करके कम से कम 3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी आंवले का मुरब्बा रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।